हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोई हॉल या रिव्यू वीडियो लेके नहीं आई हूँ, आज स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको भी स्टिच मार्क्स का प्रॉब्लम है तो आप इस रेमेडी से अपनी प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, और ये एकदम नेचुरली है। आप इसे बेहिचक लगा सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सारी चीज़ें हमने नेचुरली बताई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला इन्ग्रीडियंट्स हमने एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपको प्योर एलोवेरा ना मिले तो आप इसकी जगह हिमालय का या कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इसके फ़ायदे मैंने स्किन पे लिख दिया है। चलिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ विटामिन ई का कैप्सूल लिया है। मैंने एवियन का विटामिन ई लिया है। इसे दो लेंगे और इसे पिन से थोड़ा सा छेद के और इसके लिक्विड को निकाल लेंगे। तीसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर रोहन बादाम तेल लिया है, जो बादाम दिमाग के लिए नहीं, स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें क्या क्या होता है मैंने स्किन पे लिख दिया है। तो तीसरा इंग्रेडिएंट्स मैंने बादाम तेल लिया है, और चौथा मैंने फिग्रो का ऑलिव ऑयल लिया है, जिसे जैतून तेल भी कहते हैं। ये भी हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसे बताना स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड आपको स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड या किसी हॉल वीडियो या रिव्यू से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगी। चलिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताऊँ। एक कटोरी ले, उसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ले और दो एवियन कैप्सूल ले विटामिन ई का, जो पिन की हेल्प से आप उसे पिंच करके उसका ड्रॉप निकाल सकते हैं। एक चम्मच एलोवेरा जेल के साथ आधा चम्मच जैतून का तेल और 4 से 5 ड्रॉप आप बादाम का ले, और इन सबको एक साथ मिक्स करें। तब तक इसे मिक्स करें जब तक ये थिक पेस्ट ना बन जाए, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनाए। और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी टाइम लगा सकते हैं, लगभग 1 से 2 हफ्ते तक आप इसे लगा सकते हैं स्टोर करके। फ्रेंड ये तो नहीं कह सकते कि आपका स्ट्रेच मार्क्स एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, मगर हाँ, बहुत हद तक लाइट हो जाएगा, जो दिखने में पता ना चले। आपको इसका रिजल्ट 1 मंथ में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मगर आप इसे 2 से 3 मंथ तक लगा लिए तो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। अगर हाँ फ्रेंड, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका कमेंट मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और अपनों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।